फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंबाइंड बॉक्स के कनेक्शन करना सीखेंगे, कंबाइंड बॉक्स की वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें दो तरीके की वायरिंग होती है। एक वायरिंग होती है जब स्विच को ऑन करते हैं तब इंडिकेटर ऑन होगा, एक वायरिंग ऐसी होती है स्विच ऑफ हो या ऑन हो तभी इंडिकेटर ऑन ही रहेगा। उससे ये पता लगेगा कि इस कंबाइंड बॉक्स के अंदर सप्लाई है या नहीं है। फ्रेंड्स, इस कंबाइंड बॉक्स को हम 5-in-1 भी बोलते हैं। 5-in-1 कैसे? एक स्विच हो गया, सेकंड नंबर पे फ्यूज हो गया, थर्ड नंबर पे इंडिकेटर हो गया, फोर्थ नंबर पे 16 एम्पियर की सॉकेट है, यहाँ पे 5 नंबर पे यहाँ पे 6 एम्पियर की सॉकेट है, तो यहाँ पे हम दो सॉकेट लगा सकते हैं, एक पावर सॉकेट लगा सकते हैं और एक 6 एम्पियर की सॉकेट लगा सकते हैं। इसलिए 2, 3, 4, 5 ये 5-in-1 कंबाइंड बॉक्स बोलते हैं इसको। तो इसकी वायरिंग कंप्लीट सीखते हैं, यहाँ पे कैसे इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाली वायरिंग करेंगे जिसके अंदर हम ऑन है या ऑफ है, इंडिकेटर हमेशा ऑन रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये इंडिकेटर दिया गया है, ये फ्यूज दिया गया है, ये इसका पावर स्विच दिया गया है और यहाँ पे दो सॉकेट दी है, एक 6 एम्पियर के लिए, एक 16 एम्पियर के लिए। इसको जब हम पलटते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर के टर्मिनल बिल्कुल छोटे छोटे दिए हैं, कहीं पे इंडिकेटर के टर्मिनल आपको इस तरह के मिल जाएंगे, कहीं पे किसी पावर प्लग के अंदर आपको दो वायर के हिसाब से इंडिकेटर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉकेट दी गई है, सॉकेट के अंदर चीनी मिट्टी का यूज किया गया है जिससे कि इसका जलने का खतरा नहीं रहता, और स्विच के अंदर भी चीनी मिट्टी यूज की है और फ्यूज के अंदर भी चीनी मिट्टी यूज की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ जो सॉकेट के टर्मिनल होते हैं, सॉकेट का जो इस साइड वाला टर्मिनल होता है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं एल लिखा हुआ है, लाइन का टर्मिनल होता है, फेज आएगा इसके अंदर, और इस साइड का टर्मिनल है जो वो एन लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल के लिए है, और जो ऊपर का टर्मिनल है वो अर्थिंग के लिए है। फ्रेंड्स, स्विच का टर्मिनल होता है एक इनपुट और एक आउटपुट का, फ्यूज का टर्मिनल भी होता है एक इनपुट और एक आउटपुट का। तो इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और इस स्विच से सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे वायर को जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर को लेकर हमने सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे जोड़ ली है। अभी हमारा जो स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, यहां से एक वायर उठाएंगे और इसके फ्यूज के एक टर्मिनल पे जोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं स्विच के नीचे वाले पॉइंट से लेकर फ्यूज के एक पॉइंट पे कनेक्शन हो गए हैं। मैं आपको बाद में ये सब कुछ बता दूंगा कि फ्यूज का क्या काम होता है, स्विच का क्या काम है, सॉकेट का क्या काम है और इंडिकेटर का क्या काम है। तो यहाँ पे फ्यूज का एक टर्मिनल बचा हुआ है, वहां पे इनपुट सप्लाई आएगी जो कि फेज वायर आएगा। तो इसके लिए हम एक फेज वायर लेंगे, रेड कलर की वायर हम यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ये बता देता हूँ आपको, कम से कम आपको 250 mm की वायर को यूज करना है क्योंकि ये पावर प्लग है, इसके 16 एम्पियर तक का लोड चलेगा। तो यहाँ पे आपको 250 mm की वायर को ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके साथ ये इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इंडिकेटर की, इंडिकेटर को एक फेज सप्लाई देनी है। तो हम इसको कहाँ से देंगे, इसको हम फ्रेंड्स फ्यूज का जो इनपुट है, फ्यूज का इनपुट है, यहाँ से इसको कनेक्शन करने वाले हैं। जहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई दी है उसी से उठा के हम इनपुट सप्लाई के इसके फ्यूज के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जब सप्लाई स्विच बोर्ड के अंदर आएगी तो उसी हिसाब से इंडिकेटर के अंदर भी आ जाएगी। तो हम एक वायर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे जोड़ देंगे। ये वाली वायर है वो हम बारीक वायर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 mm की वायर को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने इनपुट सप्लाई से ही एक वायर को इंडिकेटर को दे दी है। यहां से इस जब फेज इसके अंदर आएगा तो यहां पे भी फेज आ जाएगा। अभी बारी आती है फ्रेंड्स न्यूट्रल की, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट सबसे पहले सीधा यहां पे लेके आएंगे और यहां से इंडिकेटर के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो यहां न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर यूज करने वाले हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल की है, ये भी 250 mm की वायर है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम एक वायर का टुकड़ा और जोड़ देते हैं जिससे कि इंडिकेटर के लिए आसानी हो जाएगी जोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल के कनेक्शन भी यहाँ पे सॉकेट पे कर दिए और यहीं से हमने एक कनेक्शन लिया, वो इंडिकेटर को जोड़ दिया है।
अभी हमारी फेज की वायरिंग कंप्लीट होगी और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी है। यहाँ पे एक टर्मिनल ये बचा हुआ है जो कि है अर्थिंग का। अर्थिंग के लिए हम ग्रीन वायर यूज करते हैं, ये वायर हम 1 mm की यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ग्रीन कलर की वायर है जो कि हरे रंग की है, इसको हम इस सॉकेट के अर्थिंग वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे जो कि अर्थिंग का पॉइंट है। यहाँ पे हम एक ग्रीन वायर कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिकेटर का क्या काम है, फ्यूज का क्या काम है, सॉकेट का क्या काम है और स्विच का क्या काम है। वैसे तो आप सबको पता होता है कि इंडिकेटर का क्या काम है, इनका सब कुछ का क्या काम है, लेकिन मैं फिर भी एक बार जरूर बता देता हूँ। इंडिकेटर का काम है फ्रेंड्स इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर पावर सप्लाई है या नहीं है। फ्यूज का काम ये होता है कि इसके अंदर जो भी डिवाइस चलाते हैं अगर वो ओवर करंट चल रहा है या ओवर लोड चल रहा है उस टाइम पे यह फ्यूज जल जाता है और यह आगे का सर्किट बंद कर देता है और जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं उसको सेफ करता है और स्विच बोर्ड को भी सेफ रखता है। स्विच का क्या काम होता है, स्विच का काम होता है सॉकेट को ऑन ऑफ करना, यानी कि जिसके अंदर जो भी अप्लायंस हमने लगा रखा है उसको ऑन करेगा और ऑफ करेगा। सॉकेट का क्या काम होता है फ्रेंड्स, सॉकेट का काम है जैसे कि हमने फ्रिज कूलर एसी इसके अंदर कुछ भी लगा रखी है तो उसकी कपलिंग करता है। ये एक मेल फीमेल कपलिंग है फ्रेंड्स, इसको जोड़ने का सर्किट को जोड़ने का काम करती है मेल फीमेल सॉकेट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स अभी आपने देख लिया कि इनका क्या क्या काम है, इसको अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो 3 वायर ली थी इस बॉक्स के अंदर से हम कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस बॉक्स को कट नहीं करना चाहता, तो हम ऐसे ही इसको सप्लाई के अंदर कनेक्ट करके टेस्ट करके देखने वाले। फ्रेंड्स पीछे से हमने वायरिंग को जोड़ दिया है, जैसे ही हम पीछे से ऑन करेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो हम पीछे से इसको ऑन कर देते हैं, तो हमने पीछे से इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर इस स्विच बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई आ गई है। हम इसके अंदर सॉकेट के अंदर कुछ लगा के अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो फ्यूज है फ्रेंड्स उसके अंदर हमने कोई एलिमेंट यानी कि इसका जो लिंक होता है वो नहीं डाला है, उसको डाल के आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स वो वाली वायरिंग, जब हमारा स्विच ऑन हो या ऑफ हो तो ये इंडिकेटर ऑन रहेगा। अभी हम वो वायरिंग करेंगे कि इसके अंदर स्विच के अंदर अगर स्विच ऑन करेंगे तभी इंडिकेटर ऑन होगा, अगर हम बंद कर देंगे तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, वो वाली वायरिंग करना सीखेंगे। अगर आपको पीछे वाली वायरिंग कंप्लीट समझ में आ गई है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग की गई है, वायरिंग में से जो इंडिकेटर का जो फेज वायर था उसको आपको यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के बाद फ्रेंड्स इसको आपने सॉकेट के इस वाले टर्मिनल पे जोड़ देना है जो कि स्विच से आते हुए आता है सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पे, इसको जोड़ना है। इसके साथ जोड़ देंगे हम, आप सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कर देते हैं क्योंकि वहां पे इजी है करना। तो इसको हम स्विच का थोड़ा लूज करके कनेक्शन यहां पे इसके साथ ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इतना सा चेंजिंग करना था बस, वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पहले वाली नहीं समझ में आई है तो ये भी समझ में नहीं आएगी, अगर पहले वाली समझ में आ गई है तो ये बहुत ही आसान है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से वायरिंग को निकाल के सीधा यहाँ पे जोड़ दिया है स्विच के आउटपुट में और इन दोनों को टाइट कर देते हैं। अभी हम इसको टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो इसको बॉक्स को हम वैसे ही सेट कर देते हैं और फ्रेंड्स इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूज के अंदर इसका एलिमेंट जो भी होता है वो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने फ्यूज के अंदर इसका एलिमेंट लगा लिया है। अभी हम इसको फ्यूज के अंदर डाल देते हैं, फ्यूज की सॉकेट के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी पीछे से वैसे ही सप्लाई को ऑन कर देंगे। फ्रेंड्स अभी हमने पीछे से सप्लाई को ऑन कर दिया है लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे ऑन नहीं हुआ है, इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है लेकिन वो हमने वायरिंग चेंज कर दी है इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो इंडिकेटर तभी ऑन होगा जब इसको हम स्विच को ऑन करेंगे, उससे ये पता लग जाएगा कि इसके ऊपर जो भी अप्लायंस हम चला रहे हैं वो ऑन हो गया है। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। तो इस तरह से आप 2 तरीके की वायरिंग कर सकते हैं इसके कंबाइंड बॉक्स के अंदर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।